स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों दुनिया में ऐसी कई जगह है जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है और उन्हीं जगहों में से एक है इजिप्ट और वहाँ के पिरामिड्स। इजिप्ट की सबसे रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य है जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। आज तक दुनिया भर के खोजकर्ताओं साइंटिस्ट इसके बारे में पता लगाने में नाकामयाब रहे हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रहस्यमय द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की कहानी क्या है और क्यों ये इतनी रोचक है। बस यही नहीं, इजिप्ट के पिरामिड्स के अनसुलझे रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे और आप तक सही जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना वक्त गवाए। इजिप्ट के पिरामिड्स का इतिहास। दोस्तों पिरामिड बनाने की शुरुआत आज से 4000 साल पहले 4वीं सदी टॉलेमिक अंपायर द्वारा की गई थी। इसके बाद भी देखा जाए तो इतने सालों बाद भी इजिप्ट के पिरामिड आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता को बरकरार रखते हुए इजिप्ट देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इजिप्ट की रहस्यमय गीजा पिरामिड भी उनमें से एक है। शायद इसीलिए लोग इसे ग्रेट गीजा पिरामिड कहते हैं। इसका सदियों पुराना इतिहास और बनावट लोगों को हैरान कर देती है। आपको बता दें कि इजिप्ट का पिरामिड उस समय बनाया गया था जब इजिप्ट दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। ये पिरामिड गीजा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मैनमेड कलाकृतियों में से एक था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे। तो दोस्तों इजिप्ट के पिरामिड्स का निर्माण तब के तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। देखा जाए तो भारत की सभ्यता भी मिस्र की तरह बहुत पुरानी है। जैसा कि भारत में आपको हर जगह राजाओं के द्वारा मंदिर निर्माण और उनके द्वारा बनाए गए किले जगह जगह देखने को मिलते हैं, ठीक वैसे ही इजिप्ट में आपको हर जगह पिरामिड भी देखने को मिल जाएंगे। बताया जाता है कि यहाँ पर 138 से भी ज्यादा पिरामिड मौजूद है, जिसमें देखा जाए तो इनमें से 80 पिरामिड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आज भी सही सलामत मौजूद है। और इन्हीं 80 पिरामिड्स में से 3 पिरामिड्स ऐसी है जो सिर्फ अपनी ऊंचाई और कलाकृतियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये तीनों पिरामिड इजिप्ट के शहर कायरो से कुछ ही दूरी पर गीजा नाम की जगह पर मौजूद है। और इन्हीं 3 पिरामिडों में से सबसे ऊंचे वाले को द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे को द ग्रेट पिरामिड ऑफ खफरे और तीसरे को द ग्रेट पिरामिड ऑफ मेनकोर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पिरामिड का रहस्य नंबर 5 है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2660 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जिसे हम खुफू पिरामिड के नाम से जानते हैं। इसी पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा खुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के इस ग्रेट खुफू पिरामिड की ऊंचाई शुरुआत में तो लगभग 481 फीट थी, लेकिन अभी यह घटते घटते 450 फीट रह गई है। वही इस पिरामिड में नीचे का भाग 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि ये देखा जाए तो लगभग 18 क्रिकेट के मैदानों के बराबर है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन पत्थरों का कुल मिला के वजन 5.21 बिलियन केजी है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन, कुछ पत्थरों का वजन तो 45 टन तक है। इनमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भी सबसे बड़ी साइज की क्रेन से भी बड़े क्रेन से भी अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा और कैसे इस पिरामिड को इतना ऊंचा बनाया गया होगा, जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य नंबर 4, गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं। दोस्तों इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के रिसर्च के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिलने का दावा किया गया है, जिनमें सबसे पहला है आधार तहखाना, दूसरा है राजा का तहखाना और तीसरा है रानी का तहखाना। लेकिन इन सब में हैरान कर देने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली। जबकि इस पिरामिड को मिस्र सभ्यता के हिसाब से देखा जाए तो इसे राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था, यानी कि उसमें राजा और रानी का दफन होना जरूरी था। तो ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है दोस्तों। रहस्य नंबर 3, हजारों साल पहले बने गीजा के इस पिरामिड से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई है।
कैसे इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा नियंत्रित रहता है, जबकि पिरामिड के बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, स्टडीज के मुताबिक आपको बता दे कि इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा ये पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है, जो आजकल हमारी टेक्नोलॉजी से बनी बिल्डिंग्स नहीं झेल सकती। और इसका एग्जाम्पल हम भूकंप आने पर देखते भी है, कैसे आज की बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। रहस्य नंबर दो, द ग्रेट स्फिंक्स। आपको बता दें कि द ग्रेट स्फिंक्स पूरे इजिप्ट की सबसे आश्चर्यजनक मूर्तियां है। इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि किस चीज के लिए इसे बनाया गया था। इसका चेहरा तो इंसान का है, लेकिन बाकी का हिस्सा इंसान का है ही नहीं। इस मूर्ति का स्ट्रक्चर 73 मीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा है। इस मूर्ति की सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इसे एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया है, यानी कि यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल स्टोन से बनी मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। अब इसे किसने काटा होगा और तराश तराश कर कैसे इसे तैयार किया होगा, यह आज भी एक रहस्य से कम नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं रहस्य नंबर एक की। इन पिरामिड्स को एक ऐसी जगह पर बनाया गया है, इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के ये पिरामिड्स चांद से भी दिखाई देते हैं, जो कि इसका मेन फैक्टर है, उसकी औसत से अधिक ऊंचाई का बना होना। ये सभी पिरामिड्स औसतन 300 से 400 फीट लंबे है। दोस्तों सच तो ये है कि मजबूती के साथ हजारों साल से खड़े ये पिरामिड्स इजिप्ट देश को आज भी फायदा दे रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स अभी तक भी ये गुत्थी पूरी तरीके से सुलझा नहीं सके हैं कि आखिरकार इतना बड़ा, इतना विशाल और भव्य पिरामिड का निर्माण आखिर उस जमाने में कैसे किया गया होगा, जबकि उस जमाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। तो उस जमाने के लोगों ने इसे बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा, इतने बड़े बड़े लाइमस्टोन के पत्थर और ग्रेनाइट्स के ब्लॉक से कैसे ये रेत के पहाड़ खड़े किए होंगे, कैसे आखिरकार इतने भारी पत्थर जुटाए गए होंगे। लेकिन फिर भी आज के जमाने की लेटेस्ट रिसर्च ने इन रहस्यों से पर्दा ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा तो उठाया ही है। आखिर 4000 साल पहले क्या हुआ था? एक नई रिसर्च से इस बात की जानकारी मिली है कि ये ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के ब्लॉक्स को इस स्थान पर कैसे लाया गया होगा। दरअसल इजिप्ट की नील नदी से तब उस समय एक धारा निकलती थी, जो पिरामिड के बिल्कुल पास से होकर गुजरती थी, जिसकी मदद से 4000 साल पहले करीब 23 लाख ग्रेनाइट लाइमस्टोन के ब्लॉक्स लाने में आसानी रही होगी। ये ब्लॉक्स औसतन 2 टन वजनी थे। नील नदी की वो धारा भले ही आज पिरामिड्स के आसपास से नहीं गुजरती है, पर वैज्ञानिकों का कहना है कि 4000 साल पहले हो सकता है कि नील नदी यही से गुजरती होगी, और अगर नहीं भी गुजरती होगी तो मिस्र की सेना ने इसकी धारा को मोड़ दिया होगा। वही इजिप्ट के पिरामिड्स का बहुत बड़ा रहस्य प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस शोध में छपा है, जिसमें उस पुरानी जलधारा के बारे में बताया गया है। कॉलेज डे फ्रांस के शोधकर्ता की एक टीम की अगुवाई में टीम को खुफू ब्रांच का प्रमाण मिला है, जो नदी से जुड़ी एक धारा थी जिसने पिरामिड परिसर तक बोट के जरिए सभी सामानों को पहुंचाने का काम उस समय किया होगा। वही ज्यादातर हिस्टोरियंस की माने तो इन पिरामिड्स को बनाने के लिए मिस्र के फिरौन यानी के तब के बादशाहों ने अपने गुलामों का इस्तेमाल किया था, और इस पिरामिड को बनाने में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, और उन सभी 1 लाख लोगों ने 20 सालों तक लगातार अपना काम जारी रखा था, और इन सभी पत्थरों को आपस में इतनी खूबसूरती के साथ जोड़ा था कि आज सैकड़ों हजार साल गुजर जाने के बाद भी उनके बीच एक काट जाने तक की जगह भी नजर नहीं आती। इसे बनाने के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहले एक ऐसी जमीन तैयार की गई होगी जिससे कि वो लाखों टनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलार स्टार यानी कि वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड्स का हर साइज मार्क किया गया, क्योंकि उस समय ना तो कोई कंपास था ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ इसी बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड के डायरेक्शन को सेट किया गया होगा, वो भी जीरो एरर के साथ। इसके बाद उस जमीन को लेवल किया गया होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये 23 लाख पत्थरों का पहाड़ कब का ढह गया होता। तो अब बारी आती है इसे बनाने की। तो एक्सपर्ट्स का कहना है नदी के रास्ते ये पत्थर ले तो आए, लेकिन इसे बनाने में भी उन्हें काफी परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। या तो ये पिरामिड का निर्माण जिगजैग के जरिए किया गया होगा, या तो स्पाइरल शेप में पत्थरों को आगे रखते हुए बड़े होंगे और इस तरह पिरामिड को बना लिया गया होगा। लेकिन देखा जाए तो बाकी की चीजें सब ठीक ही थी,
लेकिन एक बात एक्सपर्ट्स को अभी भी हैरान किए हुए थी, और वो थी कि अंदर के जो तीन कंपार्टमेंट मिले थे जिनमें उन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट थे। दोस्तों, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर होता है जो डायमंड के बाद दुनिया में सबसे सख्त स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी बड़े बड़े ग्राइंडर के सिवा काटा नहीं जा सकता, तो आज से 4000 साल पहले तो इसे कैसे काटा गया होगा, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि इजिप्ट का इतिहास और उसके पिरामिड्स आज भी मॉडर्न जमाने के हिसाब से कई ज्यादा आगे थे, इसलिए हमें इन पिरामिड्स पे और भी ज्यादा रिसर्च करके इन्हें स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि इजिप्ट के ये पिरामिड्स अपने आप में ही कई रहस्यों को समेटे हुए है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।